आइए आज हम बिजनेस स्टडीज का अगला अध्याय स्टार्ट करते हैं, आंतरिक व्यापार, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल ट्रेड। व्यापार, तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने व्यापार को समझ लिया है, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट में मैं व्यापार को फिर से डिफाइन कर देती हूँ कि ये वह क्रिया होती है जिसमें क्रय और विक्रय दोनों कार्य किस लिए किए जाते हैं, लाभार्जन की दृष्टि से किए जाते हैं। ये होता है व्यापार का एक स्वीट सिंपल डेफिनेशन या परिभाषा, हम जिसे कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आंतरिक को समझते हैं। जब कोई भी व्यापार देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर किया जाए, उसकी सारी एक्टिविटीज़ क्रय विक्रय हर वस्तु में, हर सर्विसेज में की जाए, लेकिन वो जो व्यापार होगा सिर्फ देश के अंदर ही किया जाए, तो उसे हम कहते हैं आंतरिक व्यापार। अब आंतरिक व्यापार के अर्थ को हमने समझा है, ये किस लिए होना चाहिए? देखिए, जब आंतरिक व्यापार होगा तो वहाँ जो मुद्रा होगी वो खुद के देश की होगी, एवं वस्तुओं का जो क्रय विक्रय होगा वो स्वयं के देश का ही होगा। तो यहाँ पर इन ऑल टोटल अगर हम देखें तो फॉरेन कंट्रीज या इंटरनेशनल प्रेशर नहीं बनता किसी भी तरीके से, या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं होता यहाँ पे, या इंटरनेशनल ट्रेडिंग नहीं होती यहाँ पे। जो भी ट्रेडिंग होगी वो इंटरनल ट्रेडिंग होगी या नेशनल लेवल पे ट्रेडिंग होगी। अब इसे हम और छोटे रूप में लें, नेशनल लेवल पे ना लें तो और इंटरनल आए तो कैसे हो सकता है? स्थानीय रूप से हो सकता है, राजकीय रूप से हो सकता है, जिसमें जिले के तौर पर जो ट्रेडिंग या व्यापार होगा उसे हम कह सकते हैं, और कई तरीक़ों से हो सकता है जिसे हम इस अध्याय के आगे आने वाले क्रम में पढ़ेंगे। लेकिन जब हम आंतरिक व्यापार की बात कर रहे हैं और आंतरिक व्यापार का अर्थ समझ रहे हैं, तो इसमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो व्यापार होता है वह किसी भी देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है, जिससे कि जो व्यापार है पूरी तरीके से जो है बाह्य शक्तियों से और जो बाह्य इन्वेस्टमेंट हैं उनसे सुरक्षित होता है, और बाहरी लोगों का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये है आंतरिक व्यापार का अर्थ। आगे बढ़ते हैं, आंतरिक व्यापार की कुछ विशेषताओं को देखते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन विशेषताओं के आधार पर हम आंतरिक व्यापार को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो पहला बिंदु जैसे कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, वो लिखा हुआ है कि देश की सीमाओं के अंदर व्यापार। ये मैंने अभी तक आपको बता दिया है कि ये जो व्यापार होता है किसी भी देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है, कोई भी देश हो, ठीक है, चाहे वो हमारा देश हो चाहे वो कोई और देश हो। जब भी कोई देश अपनी सीमाओं के अंदर व्यापार करता है तो उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं या आंतरिक व्यापार कहते हैं। दूसरा बिंदु कहता है कि वस्तुओं का स्वतंत्र आना जाना। यहाँ पर जो क्रय विक्रय और वस्तुओं का लेन देन होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। तीसरी चीज़, देशी मुद्रा में व्यापार। अब क्योंकि ये इंटरनल ट्रेड है, आंतरिक रूप से व्यापार हो रहा है, तो यहाँ पर जो मुद्रा होगी वो देशी होगी। अगर भारत में व्यापार की बात करें तो रुपए होंगे, और दूसरे देश में अगर हम बात करें तो वहाँ की जो मुद्रा है वो उसके रूप से व्यापार करेंगे, ठीक है। हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, तो अगला बिंदु कहता है झगड़ों के निपटाने के लिए विशेष अधिनियम लागू किए गए। चूँकि हम अपने देश की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर वस्तु विक्रय अधिनियम लागू किया गया है इस तरह के झगड़ों को निपटाने के लिए, चाहे क्रय हो चाहे विक्रय हो, दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, वस्तु विक्रय अधिनियम के अंतर्गत कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिसको फॉलो किया जाता है या जिसका अनुसरण किया जाता है, और इस तरीके से जो झगड़े यदि उत्पन्न होते हैं तो उनका निपटारा किया जाता है। अंतिम जो विशेषता कहती है वो होती है कि विभिन्न वैकल्पिक परिवहन साधनों का उपयोग। बिल्कुल सही बात है, जब भी हम व्यापार करते हैं तो व्यापार की दृष्टिकोण से हम देखें तो हमें विभिन्न वैकल्पिक परिवहन साधनों की आवश्यकता होती है, चाहे वो इंटरनेशनल बेसिस पे हो या नेशनल बेसिस पे हो। तो परिवहन साधनों की जब हम बात कर रहे हैं, इसमें हम बड़े बड़े ट्रॉलीज, ट्रक्स, JCBs, और इसके साथ साथ हमने कई बार देखे हैं कि ट्रेनों के माध्यम से भी लोडिंग करके क्या होता है कि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता है। इसके अलावा हम और भी परिवहन के कई साधन इस्तेमाल करते हैं व्यापार के लिए। तो इस तरीके से हमने आंतरिक व्यापार की कुछ विशेषताओं को जाना और आंतरिक व्यापार को हमने अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी। आइए अब हम देखते हैं कि जो आंतरिक व्यापार है वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा है, ये आंतरिक व्यापार जो है 3 भागों में बंटता है।
पहला है संबंधों के आधार पर, दूसरा है स्तरों के आधार पर, तीसरा है मात्रा के आधार पर। जब संबंधों के आधार पर बात करते हैं तो इसे दो भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष व्यापार और अप्रत्यक्ष व्यापार, ठीक है। और स्तरों के आधार पर जब हम बात करें तो इसे तीन भागों में बांटा गया है, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर। और जब हम मात्रा के आधार पर बात कर रहे हैं तो इसे दो भागों में बांटा गया है, पहला है थोक व्यापार और दूसरा है फुटकर व्यापार। आइए हम इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं और ये व्यापार क्या होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इसे जानने की कोशिश करते हैं। प्रत्यक्ष व्यापार, ये जो व्यापार होता है बच्चों, जैसे कि हम एक श्रृंखला देखते हैं कि जब भी व्यापार होता है, जहाँ तक हम जानते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक श्रृंखला दिख रही है आपको, यहाँ पर एक उत्पादक होता है, दूसरा थोक व्यापारी होता है, फिर तीसरा फुटकर व्यापारी होता है, और चौथा होता है उपभोक्ता। इस श्रृंखला को फॉलो करते हुए किसी भी व्यापार को पूरा किया जाता है। लेकिन जब हम प्रत्यक्ष व्यापार की बात कर रहे हैं तो इस व्यापार में ये जो थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी, जो दो मीडिएटर्स हम कह रहे हैं, ये मीडिएटर्स या मध्यस्थ, इन दोनों का उपयोग नहीं किया जाता है। और ये जो प्रत्यक्ष व्यापार होता है वो इस तरीके से न होकर के क्या हो जाता है, उत्पाद जो है उत्पादक से सीधा उपभोक्ता तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह के व्यापार को क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष व्यापार कहते हैं। आइए अब प्रत्यक्ष व्यापार से होने वाले कुछ लाभों को देखते हैं, या एडवांटेजेस क्या क्या है प्रत्यक्ष लाभों से, उनको हम जानते हैं। प्रत्यक्ष व्यापार के लाभ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला लाभ है माल की बनावटी में कमी नहीं। आपको एक सिंपल सा उदाहरण दे, या आपने दैनिक जीवन में भी महसूस किया होगा कि जब आपको माल सीधा उत्पादक से स्ट्रेट आप लेके आते हैं तो उसकी क्वालिटी अलग रहती है, और बीच में अगर मीडिएटर्स के पास चला गया तो उसकी क्वालिटी थोड़ा डिटोरेट हो जाती है, या उसकी क्वालिटी में थोड़ी कमी आ जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि वो मध्यस्थ कहीं ना कहीं लाभ अर्जन करने के लिए क्या करते हैं कि उनके जो कलपुर्जे रहते हैं, मान लो मशीनों की बात कर रहे हैं एक उदाहरण के लिए, तो उनके कलपुर्जों में कुछ हेर फेर कर देंगे, या उनके अच्छी क्वालिटी के कलपुर्जे चेंज करके उनमें थोड़े कम क्वालिटी के कलपुर्जे ले लेंगे और उसको लगा देंगे और उसको सेल कर देंगे जो अच्छी क्वालिटी के कलपुर्जे हैं। और इस तरह के कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जिससे कि जो प्रोडक्ट यानी उत्पाद की जो खुद की क्वालिटी है वो थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, या थोड़ी लो होती है, या कम हो जाती है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम प्रत्यक्ष व्यापार की बात कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष व्यापार में ये लाभ होता है कि उसकी बनावट में कोई कमी नहीं आती। जिस तरीके से वो प्रोडक्ट या उत्पाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या प्लांट में जिस तरीके से बना है, वो उसी रूप में क्या हो जाएगा, डिलीवर कर दिया जाएगा या उपभोक्ता तक पहुँचा दिया जाएगा। जो दूसरी बिंदु देख रहे हैं हम, दूसरा लाभ कहता है कि उपभोक्ताओं को असली माल की प्राप्ति। बिल्कुल सही बात है, जैसे मैंने अभी तक कहा कि स्पेयर पार्ट्स चेंज कर दिए जाते हैं, या कुछ ऐसी छोटी छोटी चोरियां की जाती है जैसे कि छोटा छोटा लाभ अर्जन किया जा सके, तो उस स्थिति में क्या होता है, उपभोक्ता तक असली प्रोडक्ट या असली माल नहीं पहुंच पाता। लेकिन यही अगर हम प्रत्यक्ष व्यापार के केस में देखें तो चूंकि जो प्रोडक्ट या माल होता है या वस्तु होता है वो सीधा उत्पादनकर्ता से कहाँ चल जाता है, उपभोक्ता तक पहुंच जाता है, तो इस स्थिति में क्या होता है, उपभोक्ता को असली माल मिलता है और उसकी क्वालिटी भी बेस्ट होती है जिस क्वालिटी में वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या प्लांट में बना था। अगला लाभ देखें तो अगला लाभ कहता है उत्पादकों को दोहरा लाभ मिलता है। अब ये दोहरा लाभ कैसे होगा, देखिए बच्चों, ये जो लाभ होता है दो चरणों में होता है, एक तो उत्पादन में और दूसरा विक्रय में। कैसे आप पूछेंगे, अब उत्पादन में समय जब भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कुछ चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, किसी वस्तु को बना रहे हैं, किसी उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो क्या वो छोटे रूप में करेंगे, कितना भी कम कर लें, एक बल्क में तो करेंगे, तो कहीं ना कहीं जब वो रॉ मटेरियल की बात करते हैं, मशीनी उपकरण की बात करते हैं, तो जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या प्लांट काम करते हैं तो वहाँ वो इस प्रोडक्शन से, उत्पादन से कहीं ना कहीं लाभ अर्जन करते हैं, क्योंकि वो रॉ मटेरियल को जब खरीदते हैं, इतने सारी बड़ी मात्रा में खरीदते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी क्वालिटी को भी देखते हैं। लेकिन जब बड़ी मात्रा में किसी भी चीज़ का क्रय किया जाता है तो अपने आप उसका कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और बड़ी मात्रा में जब भी किसी चीज़ का उत्पादन किया जाता है तो अपने आप क्या होता है,
उसकी कॉस्ट में, प्रोडक्ट की कॉस्ट में कमी आ जाती है, तो यहाँ पर वो उत्पादन में क्या करते हैं, लाभ अर्जन करते हैं। दूसरी चीज़ विक्रय में, विक्रय में कैसे हुए, जब वो पूरा लॉट का लॉट ठीक है वो विक्रय कर दे रहे हैं कस्टमर्स को, तो इस स्थिति में भी क्या हो रहा है कि उनका बहुत बड़ा पोर्शन प्रोडक्ट का या उत्पाद का वो सेल हो जा रहा है। तो एक जो स्टॉक के क्लियरेंस वाली बात आती है कि जो अभी तक प्रोडक्ट रखा हुआ था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, वो एक साथ क्या हो गया, यूज़ हो गया या उसको सेल कर दिया गया या विक्रय कर दिया गया। तो इस तरीके से दो चरणों में उत्पादकों को दोहरा लाभ प्राप्त होता है। हम अगले लाभ की ओर चलते हैं। अगला लाभ कहता है कि उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर माल उपलब्ध होना। अब जैसे कि बात करते हैं, हम सिंपल सी एक बात करते हैं, अब कोई प्रोडक्शन यूनिट है, वहाँ से कोई भी वस्तु की कॉस्टिंग कैसे होगी, अगर वो डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचेगा या उपभोक्ता तक जाएगा तो उसकी कॉस्टिंग कम होगी ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि चीज़ देखिए, जो प्रोडक्ट सीधा कस्टमर तक जाएगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, उसके वहाँ तक पहुँचने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगेगी, और अगर उसके लिए कोई प्रमोशनल कॉस्ट या एडवर्टाइजमेंट किया है तो उसका कॉस्ट लगेगा। लेकिन यही चीज़ अगर हम मध्यस्थों को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो उस चीज़ के लिए भी वो चार्ज करते हैं। कोई भी उत्पाद जितनी लोगों से होकर जाएगा उसकी जो मतलब कॉस्ट है, कहना चाहिए कीमत है, वो बढ़ती चली जाए, क्योंकि वो लोग अपने लाभ को जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे उत्पादनकर्ता अपने लाभ को देखेगा, उसके बाद जब अगर थोक विक्रेता के पास गया तो वो क्या करेगा, अपने एंड पे अपने लाभ को देखेगा, फिर फुटकर विक्रेता अपने एंड पे अपने लाभ को देखेगा, उसके बाद फिर वो उपभोक्ता तक पहुँचेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल हमें 100 रुपये का मिलने वाला है, वो वहाँ तक जाते जाते कितने में मिलेगा, 120 या 125 रुपये में मिलेगा। मैं एक उदाहरण था आपको बता रही हूँ। तो ये जो डिफरेंस है 20 या 25 रुपए का, ये ज़्यादा हुआ। तो यही चीज़ इसमें बता रहा है कि प्रत्यक्ष व्यापार में यही होता है कि जो उपभोक्ता है उसको कम मूल्य पर वस्तु उपलब्ध हो जाती है और अच्छी खासी मात्रा में जो माल है वो उपलब्ध हो जाता है। अगला जो बिंदु है वो कहलाता है उत्पादों को नकद विक्रय का लाभ। ठीक है, अब जब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस तरह के व्यापार करते हैं या प्लांट इस तरह का व्यापार करता है, तो वो क्या करता है, जितने भी इस तरीके के बिजनेस करते हैं या व्यापार करता है या ट्रेडिंग करता है, तो उस समय वो क्या करता है, उधार देने से बचता है। ठीक है, बहुत कम ऐसी स्थितियां आती हैं जिसमें वो उधार देने के लिए राज़ी होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि नकद विक्रय पर लाभ कमाता है वो, कि आपको जितना प्रोडक्ट चाहिए है ना, जितना उत्पाद चाहिए, आप उसको उसके पैसे दे दीजिए, जितनी उसकी कॉस्टिंग पड़ती जितनी उसकी कीमत है, और बाद में उसके बाद क्या करिए, आप यहाँ से उत्पाद को लेके चले जाइए। तो यहाँ पर जो है इसका अंतिम लाभ यही था कि उत्पादों को नकद विक्रय का लाभ होता है। अब हमने प्रत्यक्ष लाभ क्या है वो समझ लिया। प्रत्यक्ष लाभ में जैसे कि हमने जाना कि जो उत्पाद है वो सीधा किसको मिलता है, उत्पादनकर्ता से सीधा किसके पास जाता है, उपभोक्ता के पास, वहाँ पे मीडिएटर्स का यूज़ नहीं होता, इसे हम प्रत्यक्ष लाभ कहते हैं। अब अप्रत्यक्ष लाभ क्या होगा, अप्रत्यक्ष लाभ में इन मध्यस्थों का उपयोग होगा, सिंपल। अब ये मध्यस्थ कौन कौन से हो सकते हैं, आप जानते हैं, थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता। तो यहाँ पर जो है अब अप्रत्यक्ष व्यापार जो है इन मध्यस्थों के उपयोग के द्वारा ही किया जाता है। इस अप्रत्यक्ष लाभ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, थोक व्यापारियों के माध्यम से, जब भी किसी उत्पाद को थोक व्यापारियों के माध्यम से विक्रय किया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, थोक व्यापारियों के माध्यम से वो ट्रेडिंग की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे उत्पादक जो है वो अपने उत्पाद को थोक विक्रय को देता है, और थोक विक्रेता क्या करता है उसे, या थोक व्यापारी क्या करता है उसे फुटकर व्यापारी को देता है, और वो फिर किसके पास सीधा जाता है, उपभोक्ता के पास पहुंचता है। तो ये स्थिति में थोक व्यापारियों के माध्यम से क्या हुआ, एक प्रकार की ट्रेडिंग हुई। दूसरी चीज़, फुटकर व्यापारी के माध्यम से, यहाँ पर क्या होता है, जो शीघ्र नाशवान वस्तुएँ हैं उनके लिए
स्पेशली इस तरह की ट्रेडिंग का या व्यापार का इस्तेमाल किया जाता है। उत्पादक जो है वो थोक व्यापारियों के पास ना जा कर के वो सीधा किसके पास जाता है, फुटकर व्यापारियों के पास, और वो फुटकर व्यापारी क्या करते हैं, उपभोक्ता के पास उस वस्तु को पहुंचाते हैं या उनको सीधा विक्रय करते हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार। जो थोक व्यापारी होता है वो क्या करता है, हमेशा उत्पादक से एक लॉट में बहुत बड़ी मात्रा में क्या करता है, सामान को खरीदता है। और फुटकर व्यापारी क्या करता है, फुटकर व्यापारी थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोक व्यापारी से माल खरीदता है। और ये जो फुटकर व्यापारी होते हैं वो किस तरीके से उपभोक्ता तक वस्तु पहुँचाते हैं कि उनकी जितनी भी लिमिट्स हैं या उनकी इच्छानुसार जितना वो वस्तु को खरीदना चाहते हैं वो उतनी वस्तुओं को अपने उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि एज अ कस्टमर या उपभोक्ता, मान लीजिए मेरे घर में 5 किलो चीनी लगती है, तो मैं उपभोक्ता हूं तो मैं किसके पास जाऊंगी, फुटकर विक्रेता के पास, और उनको क्या बोलूंगी कि भैया मुझे 5 किलो चीनी दीजिए। ठीक है, अब मैं थोक विक्रेता के पास तो नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं 50 किलो चीनी तो एक साथ अपने घर में नहीं रख सकती। ठीक है, तो मैं उपभोक्ता हूँ, मैं जाऊंगी स्टोर में या किसी शॉप में फुटकर व्यापारी के पास, मैं उसे बोलूंगी कि भैया मुझे 5 किलो चीनी दीजिए, तो वो मुझे 5 किलो चीनी देंगे। मतलब मेरी आवश्यकता क्या है, बस 5 किलो चीनी। तो इस तरीके से जो है ये एक सीक्वेंस रन करता है या चलता है, और इस तरीके से थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी काम करते हैं। तो हमने देखा थोक व्यापारियों के माध्यम से किस तरीके से कार्य होता है, और दूसरा कि फुटकर व्यापारियों के माध्यम से किस तरीके से कार्य होता है। इसकी जो तीसरा बिंदु है, एजेंट के माध्यम से, इनके माध्यम से भी कार्यों को किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि स्क्रीन में आप देख रहे हैं, ये जो चैनल आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये उत्पाद है जो है, ये फुटकर विक्रेता और थोक विक्रेता के बीच एक एजेंट स्थापित होता है, इसको दिया जाता है, और ये एजेंट सीधा क्या करता है, उपभोक्ता तक अपने प्रोडक्ट को या उस उत्पाद को विक्रय करते हैं। इनमें जो और भी कई नाम है जैसे हम यूज़ करते हैं, दलाल यानी ब्रोकर, आड़ती, तो इस तरीके से इन लोगों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इस तरीके के व्यापार को आगे बढ़ाया जाए या इस तरीके की ट्रेडिंग की जाए। तो ये था अप्रत्यक्ष लाभ। तो प्रत्यक्ष लाभ क्या हुआ, जिसमें मध्यस्थों का उपयोग नहीं होता है, और अप्रत्यक्ष लाभ क्या हुआ, इसमें मध्यस्थों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने संबंधों के आधार पर प्रत्यक्ष व्यापार क्या हुआ, प्रत्यक्ष व्यापार में मध्यस्थों का उपयोग नहीं होता है, और अप्रत्यक्ष व्यापार क्या हुआ, इनमें मध्यस्थों का उपयोग होता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने क्या हुआ, संबंधों के आधार पर प्रत्यक्ष व्यापार और अप्रत्यक्ष व्यापार को जाना। आइए अब हम देखते हैं कि स्तरों के आधार पर किस तरीके से व्यापार किया जाता है। स्तरों के आधार पर 3 प्रकार से व्यापार किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। पहला है स्थानीय स्तर का व्यापार, इसमें ऐसी वस्तुओं को संलग्न किया जाता है जो कि रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग में आती हैं, साथ ही साथ वो शीघ्र नाशवान होती हैं, जैसे कि ताज़े फल, सब्जी, दूध, दही, ये सारी चीज़ें स्थानीय स्तर पर व्यापार के अंतर्गत ली जाती हैं। उसके बाद बात आती है राजकीय स्तर का व्यापार, इसके अंतर्गत जिलेवार, क्षेत्रवार, इस तरह की ट्रेडिंग की जाती है। अगर इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझें तो इसमें हम अनाज ले सकते हैं, दालों को ले सकते हैं, बर्तनों को ले सकते हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्हें हम इसके अंतर्गत ले सकते हैं। तीसरा जो हम भाग देख रहे हैं या बिंदु देख रहे हैं, इसका जो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आया था वो था राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार। इसमें जो होता है कि हम अलग अलग जो है राष्ट्र के जितने भी स्टेट हैं उस पर जहाँ पर जो चीज़ें अच्छी मिलती हैं उनकी उनका व्यापार करते हैं। जैसे कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम क्लॉथ मार्केट देखें, कपड़ा मार्केट, तो जहाँ का प्रोडक्ट या जहाँ का कपड़ा, जहाँ की जो स्पेशलिटी है आप कह सकते हैं, वो वहाँ से ट्रेडिंग होती है। जैसे गुजरात से जो नवरात्रि के समय स्पेशल जो ड्रेसेस आते हैं वो अलग होते हैं, फिर साउथ की साड़ीज़ का तरीका अलग होता है, फिर महाराष्ट्र
कि पैठणी है उसकी का पहनने का तरीका और उसकी साड़ी की जो क्वालिटी होती है वो अलग होती है। इसी तरह का हम बंगाल कॉटन देखें तो वो अलग है। तो ये क्लॉथ इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं या क्लॉथ ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं कि इस तरह का राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार हो। उसी तरह हम चीनी को भी ले सकते हैं, ठीक है। मशीन एक स्थल से दूसरे स्थल तक पहुंचाना, ये जो है ये जो ट्रेडिंग हो रही है या इन उदाहरणों को हम कह सकते हैं कि ये जो है राष्ट्रीय स्तर के व्यापार के अंतर्गत आता है। अब हमने दूसरे जो क्लासिफिकेशन था उसको भी जान लिया कि स्तरों के आधार पर किस प्रकार से आंतरिक व्यापार होता है। अब हमारा अंतिम आधार आ रहा है, वो है मात्रा के आधार पर व्यापार। तो इसमें आप पहला आता है थोक व्यापार और दूसरा होता है फुटकर व्यापार। जैसे कि मैंने आपको बताया, थोक व्यापार जो क्या होता है, एक बड़ी बहुत बड़े अमाउंट में किया जाता है, ठीक है। इसमें थोक व्यापारी क्या करते हैं, उत्पादक से या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से या प्लांट से क्या करते हैं, बहुत बड़े मात्रा में उत्पादों को खरीदते हैं और उनको बड़े बड़े इन्वेंट्री हाउसेस में या स्टोरेज में उसको सेफ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं कि इन फ्यूचर अगर जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्या करेंगे, उन वस्तुओं को फुटकर विक्रेताओं को बेचेंगे, है ना। और इस तरीके से वो क्या करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, जो हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई, उसकी जो चेन है और उसकी जो इक्वेशंस हैं उनको मेंटेन करके रखते हैं। उसी तरीके से अगर हम फुटकर विक्रेता की बात समझें या फुटकर व्यापारी की बात करें, तो फुटकर व्यापारी वो व्यापारी होते हैं जो थोक विक्रेता से कुछ मात्रा में सामान को खरीद कर रखते हैं, और ये व्यापारी जो होते हैं कस्टमर्स को, डायरेक्ट कस्टमर्स के या उपभोक्ताओं के कांटेक्ट में होते हैं। तो उपभोक्ताओं की जितनी भी आवश्यकताओं की, चाहे वो बहुत कम हो या थोड़ी ज़्यादा हो, तो उस स्थिति में फुटकर व्यापारी जो होते हैं अपने कस्टमर्स को उनकी रिक्वायरमेंट्स या नीड्स या उनकी इच्छा या उनकी मांग के अनुसार जो है उनको वस्तुओं को उपलब्ध कराते हैं। जैसे मैंने आपको 5 किलो चीनी का उदाहरण दिया कि मुझे 5 किलो चीनी की आवश्यकता है तो मैं 5 किलो चीनी लूँगी। तो इसके लिए मैं क्या सीधा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं जाऊँगी, या इसके लिए मैं सीधा थोक व्यापारी के पास नहीं जाऊँगी, भैया मुझे 5 किलो चीनी दीजिए, वो मुझे नहीं देगा, ठीक है। वो फुटकर विक्रेता को देगा, मुझे 5 किलो चीनी कौन देगा, फुटकर व्यापारी देगा। तो इस तरीके से हमने ये पूरे क्लासिफिकेशन को समझा है कि आंतरिक व्यापार के प्रकार क्या है, जिसमें हमने तीन तरीके का देखा, संबंधों के आधार पर व्यापार देखा, जिसमें हमने प्रत्यक्ष व्यापार और अप्रत्यक्ष व्यापार को जाना, फिर स्तरों के आधार पर व्यापार को देखा, जिसमें हमने स्थानीय स्तर, राजकीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर को देखा, और उसके बाद अंतिम जो हमने क्लासिफिकेशन देखा वो था मात्रा के आधार पर। यहाँ पर हमने क्या देखा, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार, इन दोनों के बारे में जानकारी ली। तो इस तरीके से हमने आंतरिक व्यापार के प्रकार को डिटेल में जाना।